फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आपका अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। तो आज मैं एक अलग सा वीडियो बना हूँ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। तो इजी टेक्निक बना है, इसमें आप याद रख देंगे, अच्छी तरह से उसको याद रख देंगे सारे बात को। तो मैं एक टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे में भेज रहा हूँ, आपको कुछ डाउट है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। किस किस गुड्स में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, किस किस गुड में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो उसका हमें इजी टेक्निक है क्या, स्काप में पीएम का हाथ नहीं। क्या इजी टेक्निक क्या है? स्काप में पीएम का हाथ नहीं। इसी तरह से हम रिमेम्बर कर सकते हैं, पी फॉर क्या होता है, पेट्रोलियम क्रूड, एम फॉर क्या होता है, मोटर स्पिरिट, एंड एच फॉर क्या होता है, हाई स्पीड डीजल, एंड ए फॉर क्या होता है, आभ्यूषण टर्बाइन फ्यूल, टी फॉर क्या होता है, टोबैको प्रोडक्ट, एंड एम फॉर क्या होता है, नेचुरल गैस। इसी तरह और एक मैंने एक इजी टेक्निक बनाया हूँ किसके लिए, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। कौन सा यूनियन टेरिटरी में जिसमें विदाउट लेजिस्लेचर है, उस क्या है ना, ऐड कीजिए करंट लाइबिलिटी को। क्या शॉर्ट टेक्निक क्या है, ऐड कीजिए करंट लाइबिलिटी को। इसी तरह से ए फॉर क्या होता है, अंडमान एंड निकोबार, डी फॉर क्या होता है, दादरा एंड हवेली, एंड डी फॉर क्या होता है, दमन दीव, सी फॉर क्या होता है, चंडीगढ़, एल फॉर क्या होता है, लक्षद्वीप। इस इजी टेक्निक से आप अच्छी तरह से याद रख देंगे, एक दो मिनट में याद हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि इस टेक्निक के यूज में आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। इस टेक्निक आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, तो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे।